ये ठंड हो गई है, भगवान ठंडी ठंडी कर दी। देख कैसे सुकड़ के सो रहा है छोरा। ओहो पंखा भी चला रहा है। ओए खड़ा हो जल्दी। क्या है मम्मी, सोने दो ना। सोने दे, कोई सोना होना नहीं है। खड़ा हो ले जल्दी, गर्म कपड़े निकालने हैं, ठंड का मौसम हो गया। मम्मी पंखा क्यों बंद कर दिया? पंखा भी बंद कर दिया, कैसे सुकड़ के सो रहा है तू? खड़ा हो जल्दी, ठंड का मौसम हो रहा, गर्म कपड़े निकालेंगे, उठ जा। मैं ये कह रही थी कि मुझे तो ठंडा मौसम लग रहा है बहुत, और गर्म कपड़े निकाल लेते, मेरे को तो बहुत जल्दी हो जाए खांसी जुकाम। हाँ मैं भी दूध लेने गया था ना, बहुत सर्दी लगी मेरे को भी, निकाल लो गर्म कपड़े। मेरे को भी ठंड लग रही है। रचित बेटा कहाँ रह गया तू, आ जल्दी गर्म कपड़े निकालेंगे। Eggs Benedict with hollandaise caviar on omelet. Ding ding ding. Eggs Benedict with hollandaise caviar on omelet. Ding ding ding. Kidney beans on brisket, sunny side up fried eggs, and sausages on the side. Hash browns. चलो भाई, कपड़े वगैरह कंबल वगैरह सब निकल गए, अब मैं चला सोने। सोने? ये कंबल पकड़ और धूप में डाल के आ, पता है कितनी स्मेल हो रही है इनमें, जा सुखा का जल्दी। सोने चला। वो कंबल डाला है मैं धूप में, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुलाऊं तेरे को, ये जैकेट और कोट लेकर जा और ड्रैकलिन के लिए दे के आ। चला बाबूजी सोने। मम्मी भी जैकेट वगैरह में दिया है ड्रैकलिन पे, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कहीं नहीं सोना, पहले दुकान पे जा और इजी लेके आ। इजी का क्या करोगे, ये गरम कपड़े इजी से धुलेंगे, जा लेके जल्दी। ये लो आपका इजी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कोई सोना होना नहीं है, ये इतने कपड़े हैं तो मेरे साथ मिलके धुलवाएगा नहीं। कंबल में संबल, टैलेंटेड हूँ मैं, ये देखो कितने अच्छा डिजाइन बना रही हूँ। अरे मम्मी टीवी का रिमोट कहाँ मिल नहीं रहा। ये देखो इस हीरो ने, जा कुछ गरम कपड़ा पहन ले, या सीढ़क है ना हड्डा मग निकल जाएगी। अरे मम्मी हम जवान बालक है, हमें ठंड नहीं लगती। जवान बालक ये ना, गधे वाले ढाई दिन जवानी के सब माँ है बेटा, जा पहन ले कुछ गरम। अरे ओ सेहत के दुश्मन, ये ठंडा पानी मत पी बेटा फ्रिज का, गला खराब हो जाएगा तेरा। अरे मम्मी हम जवान बालक है, हमें ठंड नहीं लगती। अरे ओ पागल, तने फिर पंखा चला दिया, ठंड लग जाएगी, बंद कर दे इसे। मैं ही कर देती हूँ बस। अरे मम्मी हम जवान बालक है, हमें ठंड नहीं लगती। चुपचाप पंखा बंद करके सोएगा, समझ गया, आया बड़ा जवानी वाला, सो जा चुपचाप। अरे क्या है मम्मी को, पंखा बंद करके चली गई। अब बनी ना बातचीत। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गरम गरम पानी। गीजर ऑन क्यों किया? नहाऊंगा मम्मी इसलिए ऑन किया है गीजर। गरम पानी से नहाएगा? हाँ तो और क्या, गरम पानी से तो नहाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा तो ठंडी लग जाएगी। ये कहाँ गई तेरी जवानी, आज मैं काटूंगी तेरी जवानी। चुपचाप ठंडे पानी से नहा, चल चल अंदर।
हाय ठंडी। देख आहा, देख कैसे कांप रहा है। अब कैसे कांप रहा है, कहां गई तेरी जवानी। जब मैं तेरे को ये कह रही थी पहले टी शर्ट में मत रह तू बाहर, लेकिन बाबूजी ने टी शर्ट में ही रहना, गर्म कपड़े नहीं पहने। जब मैंने ये कहा ठंडा पानी मत पी, लेकिन तन्ने तो सुननी नहीं, जवानी है मेरे अंदर। तो फिर पंखा चला कर सोवे बाबूजी, लिकड़ गई ना सारी एकड़ी। क्या करे आजकल के बच्चों का, आप तो परेशान होए होए, साथ में हम भी होए। अब बनाए जाओ इनके गड्ढे, दे जाओ इनको गोलियां, क्या करे बच्चों का। दोस्तों अगर आपने भी स्टार्टिंग की ठंड में जवानी दिखाने के चक्कर में कभी ऐसा किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने मम्मी पापा की बात सुन लिया करो, वरना मेरी तरह कांपते रहोगे फिर बाद में। मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पे। ऊपर क्या करने जा रहा है। अरे ऊपर बढ़िया धूप निकल रही है, आराम से बैठूंगा, धूप में क्या दिक्कत है। तू पोछाना भाई, ऊपर जाके धूप सेकेगा, मैं यहाँ नौकरानी की तरह काम करती रहूं। क्या है मम्मी, तुम उसको ऐसे क्यों बोलती हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने देखा नहीं उसके हाथ में कितनी सारी किताबें थी, ऊपर छत पे जाके पढ़ेगा धूप में, विटामिन डी मिलेगी, विटामिन डी से दिमाग ताजा होता है, ताकत मिलती है, और धूप में बैठ के पढ़ने से दिमाग गर्म रहता है, और गर्म दिमाग से जो पढ़ेगा एकदम याद होगा उसको। अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और हमारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। चलो उसको बुला लेती हूँ, खाना खाने के लिए नीचे आ जाएगा। अरे हमारा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, खाने के लिए नीचे बुला के तुम उसे डिस्टर्ब करोगी, खाना डाल के ऊपर ही पकड़ाया हो। आप भी ना, आपको पता नहीं क्या मेरे घुटनों में कितना दर्द है। तो कोई बात नहीं मैं साथ चलता हूँ, चलो। कमीने, ये पढ़ाई कर रहा है तू, ये विटामिन डी ले रहा है तू, यहाँ पे कह रहा था मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, घंटा बनेगा, तू साले अंडे की रेडी लगाएगा, समझ गया, समझ गया है, यही काम करता है तू यहाँ बैठ के, मत कर, है ऊपर बैठ के पढ़ेगा तू, ऊपर बैठ के, ऊपर बैठ के, ऊपर बैठ के। तू काले की छोरी है ना, रे निकम्मी, मैं फोड़ूंगी तेरा नाक ना, अभी बताऊं तेरे माँ बाप से, तेरे अड्डे तड़वाऊंगी मैं, आ रही हूँ तेरे घर पे, तूने मेरा छोरा बिगाड़ कर धर दिया, ऐसा नहीं था ये लड़का, मैं आ रही हूँ तेरे घर पे, निकम्मी कहीं की। नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऊपर पढ़ाई करने आई थी। कमीनी छोरी तू, अभी आती तेरे माँ बाप के पास, तूने बिगाड़ दिया कती, आ रही हूँ, निकम्मी कहीं की, डर गया तू। कमीने हैं, कह रहा है विटामिन डी लेगा, हैं यहाँ बैठ के विटामिन लव ले रहा है, हैं। अरे ओ हीरो, सुबह टाइम से एक घंटा पहले उठ जाइयो। एक घंटा पहले क्यों उठे, गीजर ऑन नहीं करेगा, गर्म पानी होने में टाइम नहीं लगेगा क्या। तो उसके लिए सुबह एक घंटा पहले उठने की क्या जरूरत है, हम गीजर को भी ऑन कर देंगे ना, पूरी रात पानी गर्म होता रहेगा आराम से। बिजली के दफ्तर में तेरे बाप के रिश्तेदार बैठे हैं, वो बिल भर देंगे, चुपचाप टाइम से एक घंटा पहले उठ जाइए सुबेरे। अरे पापा ठीक है उठ जाऊंगा मैं एक घंटे पहले, अभी ऑन कर देगा ये।
सुबह के 5 बज रहे हैं, गीजर चला देता हूँ। गीजर क्यों नहीं चल रहा? खराब तो नहीं हो गए? पापा। हाँ बोल। पापा ये गीजर नहीं चल रहा है, खराब हो गया। गीजर नहीं चल रहा? मैं ना आज फिर ऐसे ही बिना नहाए चला जाता हूँ, कल नहा लूंगा, है ना? 25 दिन से नहीं नहाया तू? तो पापा ठीक है ना, इतने दिन नहीं आया तो एक दिन और सही, बाद में नहा लूंगा ना। बदबू आ रही है तेरे में, नहा के तो जाएगा तू, कुछ भी हो चाहे। ऊपर टांड पे रॉड रखी है पिछले साल की, लेके आ जल्दी। अरे पापा क्या है ये रोड बोर्ड, जब मैंने बोल दिया मैं कल नहा लूंगा तो कल नहा लूंगा ना, जरूरी है क्या अभी नहाना? मैंने बोला तू नहाएगा, रोड लेके आ जा। पापा ये रोड तो टूटी पड़ी है, खराब है, चलेगी भी नहीं। बेटे तेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर है, रेल का पंचर भी लगा सकता हूं मैं। चल तेरे को दिखाता हूं रोड कैसे ठीक होती है, चला अभी करता हूं इसको। ये ले पेचकस निकाल इसमें से। अबे जल्दी निकालना। निकाल रहा हूं। ये तार पकड़, कस के पकड़, बस छोड़ दे। ये ले हो गया ठीक, पकड़ जल्दी लगा। अरे यार अब तो नहाना ही पड़ेगा फालतू में। वैसे कैसे नहाना पड़ेगा, लाइट चली गई। अरे पापा लाइट चली गई। क्या लाइट चली गई? हाँ पापा लाइट चली गई, अब क्या फायदा नहाने का, वैसे भी नहाऊंगा कैसे, लाइट तो है नहीं, बाद में नहालूंगा ना, इतने दिन नहीं नहाया, एक दिन और सही, क्या दिक्कत है। ज्यादा बहानेबाजी मत कर, समझ गया, नहाना तो पड़ेगा तेरे को आज। यस, पतीला भर पानी का और गैस पे गरम कर। अच्छा सिलेंडर का बिल तेरी माँ भरेगी, गैस पे कर लो पानी गरम में। पापा क्यों खर्चा करा रहे हो, क्या जरूरी है क्या नहाना, पैसे बचाया करो ना, थोड़े पैसे बचाओ। बेबी मुझे आइसक्रीम खानी है। है? आइसक्रीम खानी है? अबे तू पागल है क्या, इतनी ठंड में तुझे आइसक्रीम खानी है? अबे 3 डिग्री टेम्परेचर है पागल, तू तुझे पता नहीं क्या, अगर ठंड में तू आइसक्रीम खाएगी ना बर्फ होती है वो बर्फ तेरे दांत झड़ जाएंगे। पागल कही की आइसक्रीम खानी है इसे। ठंड ठंड कहाँ है, 3 डिग्री कुछ ठंड होती है? तू सच में पागल है क्या यार, देख मैं तुझे आइसक्रीम नहीं खिला सकता इतनी ठंड में। बेबी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही क्या? ना तो तुमने अंदर इनर डाला है ना ऊपर से कोई जैकेट, यार मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड कहाँ है ठंड, तुम इसको ठंड कहते हो? और वैसे भी लड़कियों को ठंड नहीं लगती। अरे 2 डिग्री टेम्परेचर है। 2 डिग्री कोई टेम्परेचर होता है? -50-60 जाए तब जाकर थोड़ी ठंड लगे। और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है, ठंड तो मेरे इर्द गिर्द भी निपट गई। और तुम क्या ये ड्रामा कर रहे हो, ये रजाई ओढ़ कर आ गए हो, इतनी ठंड तो है भी नहीं।
कंबल में संबल अजब सा ये दंगल रिवर्स हुई सब हिस्ट्री। मेरी गर्लफ्रेंड सच में बहुत हॉट है, शायद इसीलिए इसको बिल्कुल ठंड नहीं लगती। चला गया। मम्मी कितनी ठंड हो रही है, भगवान बचा लो ठंड से। ए भगवान, हम लड़कियों को भी कितना कुछ सहना पड़ता है। ठंड तो हमें बहुत लगती है पर दिखाएं कैसे। मम्मी मेरे को ना थोड़े पैसे दे दो, मेरे को नई जैकेट लेके आनी है ठंड की। ये जैकेट 4 साल पुरानी है, मेरे पे जैकेट नहीं है। ये देखो, ये यहाँ से फट भी गई है, देखो। दो थोड़े पैसे दो। अरे ओ पागल, क्या कर रही है ये? पैसे वापस ले, वापस ले। जैकेट लाएगा लड़का, इसके पास है नहीं। अरे अभी क्या जरूरत है जैकेट लेने की, सर्दी खत्म होने पे ऑफ सीजन में लेके आना। अरे पापा, ऑफ सीजन में जैकेट लेके मैं क्या करूंगा? उन जैकेटों को गर्मी में पहन के पसीने में मरूंगा क्या मैं? अरे बेटा दिमाग लगा, ऑफ सीजन में ना सेल लगती है, 70% तक की ऑफ मिलती है कपड़ों पे, तब लेके आना। अभी इतने पैसे फूकेगा, बाद में लेगा तो तेरे को जैकेट सस्ती पड़ेगी, और वही जैकेट अभी तेरे को महंगी पड़ेगी। जब 3-4 साल से ये जैकेट पहन रहा है तो 1 साल और पहन ले, क्या फर्क पड़ रहा है, अगले साल ले आइयो नई। अरे सही कह रहे हैं बेटा तेरे पापा, इतने समझदार हैं, देख सीख ले कुछ। अरे एक काम करो ना, आपके पास है ना एक पुरानी जैकेट, 10 साल पुरानी, बिल्कुल नई जैसी है वो ले आओ इसके लिए, वो पहन लेगा इसको। ओ हेलो मम्मी, मैं नहीं पहनूंगा वो 10 साल पुरानी आपकी नई जैकेट। सारे दोस्त मेरे बोलते अपने बाप के कपड़े पहन के आ गया, आपको नहीं दिलानी मत दिलाओ, मैं नंगा आन लूंगा, लेकिन मैं वो जैकेट नहीं पहनूंगा। चल ठीक है फिर, ऑफ सीजन पर लियो पैसे। हाँ ठीक है। सुनो मैं ये कह रही हूँ, एसी ले आते हैं, घर में एसी लगवाएंगे। तुम औरतों में सच में दिमाग नहीं होता, सर्दी के मौसम में कौन एसी खरीदता है? आदमियों में दिमाग नहीं होता, मैं यूं कह रही हूँ सर्दी में सेल लग रही है एसी पे, अब लाएंगे हाफ रेट में मिलेगा, गर्मी में लेंगे फुल रेट पे मिलेगा। चुपचाप चल लो मेरे साथ, फायदे में रहोगे, फायदे का सौदा है भाई। औरतें समझदार होने लग गई। फिर तो एक काम करते हैं, एसी पे सेल है तो फ्रिज पे भी होगी, एसी के साथ साथ फ्रिज भी ले लेंगे। हाँ सच्ची में, और क्या, फ्रिज भी ले लेते हैं। हाँ भाई तेरे हस्बैंड में दिमाग तो है। उसकी पत्नी मैं है, हस्बैंड तो बुद्धू है। हे भगवान, हम मिडिल क्लास फैमिलीज का कभी कुछ नहीं हो सकता।